नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहराइच के एक प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल दरगाह शरीफ के संबंध में कुछ जानकारियां लेकर हाजिर हूं। दरगाह शरीफ बहराइच रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक महीने के बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को दरगाह की यात्रा के लिए शुभ माना जाता है। मई जून के महीने में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है यहाँ पर, इसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। गाजी सैयद सालार मसूद का मकबरा, जिसको बहराइच दरगाह के नाम से भी जाना जाता है, इस मकबरे का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जैसा कि सैयद सालार मुस्लिम योद्धा व एक सूफी संत थे, उनका जन्म अजमेर में 1015 ईस्वी में हुआ था। वह महमूद गजनवी के भतीजे थे। महमूद गजनवी के निर्देश पर उन्होंने 1021 ईस्वी में बहराइच पर एक आक्रमण किया था। उस समय सूर्य देव का एक प्राचीन मंदिर था, जिसे बालार्क मंदिर के नाम से जाना जाता था। यह स्थान हिंदुओं के लिए एक तीर्थ था। सैयद सालार मसूद ने बहराइच पर हमला कर दिया। राजा सुहेलदेव ने इस युद्ध में क्षत्रिय राजाओं के सहयोग से सैयद मसूद को हरा दिया और मौत के घाट उतार दिया। सैयद सालार मसूद गाजी और सुहेलदेव के बीच हुए इस युद्ध का जिक्र फारसी भाषा में लिखी गई एक किताब मिरात ए मसूदी में मिलता है। दिल्ली की सल्तनत पर शासन करने वाले फिरोज शाह तुगलक को सैयद मसूद की बहुत प्रशंसा सुनने को मिली थी और उससे प्रभावित होकर उन्होंने उस स्थान पर एक मकबरा बनवा दिया था। इस स्थान पर मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं की भी भारी भीड़ रहती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से कोढ़ रोग ठीक हो जाता है और अंधों को दिखाई देने लगता है, तथा यहाँ आने के बाद 5 स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा के माध्यम से इस पर कटाक्ष किया है, लही आंख कब आंधरे, बांच भूत कब लाए, कब कोढ़ी काया लही, जग बहराइच जाए। फिलहाल वर्तमान में धर्म जाति का बहराइच में कोई खास मतलब नहीं है। यहाँ के लोग इंसानियत को ज़्यादा महत्व देते हैं और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के त्योहारों या मांगलिक कार्यक्रमों में बराबर शरीक होते हैं। वर्तमान समय में बहराइच हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगली जानकारी के साथ मिलूंगा किसी और।